कालाढूंगी की तराई पश्चिमी और रामनगर वन प्रभाग में चूना खान इको टूरिज्म सेंटर में वन्य प्राणी सप्ताह मनाया गया है, जिसका समापन आज तराई पश्चिमी और रामनगर वन प्रभाग के अधिकारियों ने किया है। समापन लिया इस दौरान स्कूली बच्चों ने वन्य प्राणियों के संरक्षण की जानकारियां दी। स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया। समापन के मौके पर तराई पश्चिमी वन प्रभाग के SDO प्रदीप धौला खंडी ने वन्य जीव का संरक्षण के बारे में बताया। कालाढूंगी से मुकेश छिम्बाल की रिपोर्ट। हमारा वन्य प्राणी सप्ताह है यहाँ चूना खान इको टूरिज्म में मनाया जा रहा है। इसमें 1 अक्टूबर से लेकर प्रभाग और तराई पश्चिमी प्रभाग दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से मनाया जा रहा है और दोनों वन प्रभागों में जो भी इसमें प्रतियोगिताएं हुई थी उनसे संबंधित जो भी फाइनलिस्ट थे उनको आज यहाँ पर बनाया गया था और फाइनल प्रतियोगिता यहाँ पर चलाई गई थी। साथ में स्थानीय ग्रामीणों द्वारा भी इसमें अपनी प्रस्तुति दी जा रही है और बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर किया गया और जो मैसेज यहाँ पर दिया जा रहा है कि कैसे हम मानव वन्य जीव संघर्ष को कम कर सकते हैं और कैसे एक शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के साथ मानव और वन्य जीव दोनों रह सकते हैं, उसका मैसेज है।